नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन असिस्टेंट में। दोस्तों, बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा बिहार पॉलिटेक्निक के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और इसका वेब लिंक भी उपलब्ध करा दिया गया है ताकि आप आसानी से ही अपने एडमिट कार्ड को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड से निकाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने आना है BCEC के होम पेज पे। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCECE, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आता है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स और थर्ड एडमिट कार्ड। आपको इस एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आते ही दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बाय रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इस पे क्लिक करें। थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखाई देता है जिसमें आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले आपसे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है, उस पर क्लिक करें। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले आप अपना डेट, फिर डेट ऑफ मंथ, उसके बाद डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट करें और सबमिट पे क्लिक करें। फिर थोड़ा इंतज़ार करने के बाद आपको यहाँ पे आपका अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है जिसपे आपका रोल नंबर, कोर्स का ग्रुप, आपका नाम, पूरा पता, कास्ट कैटेगरी, उसके अलावा आपका सेंटर और सेंटर का कोड यहाँ पे रहता है। थोड़ा सा नीचे पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग टाइप भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों परीक्षार्थियों के लिए निर्देश भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एनेक्शन 1A SOP उपलब्ध कराया गया है जिसमें आपको COVID-19 के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनेक्शन 1A में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री इन द एग्जाम वेन्यू टिल हिज हर एग्जिट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम हॉल में एंट्री करते समय और निकलते समय भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन कि कैंडिडेट को अपना मास्क लाना पड़ेगा और खुद का सैनिटाइजर 50 ml का लाएं, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लाएं, पेन लाएं ब्लू और ब्लैक, और एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट ID कार्ड एडमिट कार्ड लेके आए। इसके अलावा दोस्तों और कोई डॉक्यूमेंट अलाउ नहीं होगा। थर्ड जो ऑप्शन मिलता है एंट्री ऑफ कैंडिडेट विल बी गिवन एज पर टाइम स्लॉट 2 hours बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्लियर रहता है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको आपके रिपोर्टिंग टाइम से पहले 2 घंटे पहले वहां पे आपको पहुंचना होगा ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। तीसरा जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो है टेम्परेचर के रिलेटेड। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 37.50 सेल्सियस और 99.40 फारेनहाइट टेम्परेचर आपका होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आपको आइसोलेट वार्ड में सेपरेट एग्ज़ाम देने के लिए बोला जाएगा ताकि COVID-19 को फैलने से रोका जा सके। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट्स नीड टू फॉलो डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर इंचार्ज एट द एंट्री पॉइंट। तो दोस्तों वहां पे कैंडिडेट्स को एंट्री पॉइंट पे जो निर्देश दिए जाएंगे उन्हें पालन करने का यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और COVID-19 के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।